वंदे कृष्णा फाउंडेशन प्रेजेंट्स नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नारायण 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 तीस दिन के अंतराल के बाद प्रसंग को जहाँ विराम दिया था महाभारत का भीष्म पर्व जिसमें भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं तो चौथे अध्याय में नौवें श्लोक की व्याख्या हो चुकी है। परम पूज्य महर्षि गीता रस रत्नाकर में कहते हैं कि इस चौथे अध्याय में पहले तो ये बताया भगवान ने कि आदि गुरु तो मैं ही हूँ, मुझे गुरु परंपरा प्राप्त है। जब अर्जुन ने यह पूछा कि तुम पहले कैसे थे, अर्थात तुम्हारा जन्म तो अभी हुआ है, तो बता दिया कि मैं समय समय पर प्रयोजनवश अपने को शरीर के रूप में प्रकट करता रहता हूँ, परंतु वह जो शरीर है वह कर्म मूलक नहीं है और कर्म जो है वो आगे फल देने वाला नहीं है। तो यही श्लोक नौवां, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरा मायामय जन्म और साधु रक्षण आदि जो कर्म है वो दिव्य है अर्थात अलौकिक है, यानी केवल ईश्वर शक्ति से ही होने वाले हैं। इस प्रकार जो तत्व से यथार्थ जानता है उसके लिए बताया कि ऐसे महापुरुष के लिए कि वो शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म अर्थात पुनः उत्पत्ति को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मेरे पास आ जाता है अर्थात मुक्त हो जाता है। अब अगले श्लोक की अवतरणिका में भगवान भाष्यकार कहते हैं कि भगवान ये बताने जा रहे हैं कि यह मोक्ष मार्ग अभी आरंभ हुआ है ऐसी बात नहीं है, किंतु पहले भी वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। चौथे अध्याय का दसवां श्लोक, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, पहले भी जिनके वीत राग भय क्रोधाहा, जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, और मनमयाहा जो मुझमें अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले माम उपाश्रिताहा बहवह बहुत से भक्त बहुत से ज्ञानी ज्ञान तपसा पूताहा ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मदभावम आगताहा मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। परम पूज्य महर्षि ने अपने गीता रस रत्नाकर में बताया कि तुमने राग भय क्रोध इनकी केंचुल उतार कर फेंक दी। वीत राग भय क्रोधा का अर्थ क्या करेंगे, जैसे सर्प अपनी केंचुल उतार कर फेंक देता है, यानी वहीं रह जाती है और सर्प जो है निकल जाता है, तो ऐसे
क्योंकि राग भय क्रोध ये आत्मा के स्वरूप नहीं हैं। कैसे महाराज? ये जो ज्ञान है, ज्ञान तपसा, यानी ये जो ज्ञान है ये तो अद्वितीय है। अर्थात पारमार्थिक सत्ता में जब दूसरे की सत्ता है ही नहीं, जब दूसरा है ही नहीं, तब राग किससे करें? जब अपने में आनंद न हो और दूसरे में आनंद हो, तब न उससे बात करेंगे, राग कब करेंगे? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, राग करना कंगाल आदमी का काम है। जो अपने में आनंद नहीं अनुभव करता, वही दूसरे से मजा उधार लेने जाता है। कंगाल ही दूसरे से राग करता है। अच्छा, अब कहते हैं कि क्रोध, तो कहते हैं इसी तरह है भय। इसी तरह जो अपने को मरने वाला समझता है वही डरता है। जब अपने को आत्मा रूप से जान लिया तो आत्मा तो अविनाशी है, तो वीत राग भय और क्रोध जो दूसरे का अस्तित्व स्वीकार करता है, द्वितीयाद्वै भयम भवति, जिसका कोई दुश्मन होता है उसे ही क्रोध आता है। जिसका कोई दुश्मन नहीं है, जिसको कोई डराने वाला नहीं है और जिसका किसी से राग नहीं है, वह क्या है? भगवान कहते हैं कि वो तो भगवन्मय है, मनमय है। और इतना ही नहीं, माम उपाश्रिता, माने भगवान के बिल्कुल पास पहुंच गया है। ज्ञान तपसा का अर्थ महर्षि समझाते हैं, उसकी वह ज्ञान निष्ठा ही उसकी तपस्या है। जो कांटे पर लेट रहे हैं, पंचाग्नि ताप रहे हैं, ये तपस्वी नहीं। जो तपस्या अन्य संसर्ग से होती है, अग्नि के बीच में बैठकर होती, यानी अग्नि चारों ओर लगा ली, बीच में बैठ गए अथवा कांटे पर सो गए, वह तपस्या नहीं। तपस्या तो ज्ञान ही है। कैसे महाराज? मुंडक उपनिषद देखिए, यस्य ज्ञानमयम् तपः, जो ज्ञान द्वैत का स्पर्श नहीं करता वही ज्ञान तप है। जिसका ज्ञान द्वैत का स्पर्श करे वह तपस्वी नहीं है। अर्थात ज्ञान तप से बहुत से लोग बड़े ही पवित्र हो गए और शुद्ध ज्ञान में अवस्थित होकर मदभाव मागता है, मुझसे एक हो गए। अब अगले श्लोक में भगवान भाष्यकार अवतरणिका में कहते हैं कि तब क्या आप में राग द्वेष हैं, जिससे कि आप किसी किसी को ही आत्मा भाव प्रदान करते हैं, सबको नहीं करते? इस पर मानो भगवान उत्तर दे रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, ये माम यथा प्रपद्यन्ते, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, अहम तान तथा एव भजामि, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। क्योंकि मनुष्याः सर्वशः मम वर्तमान अनुवर्तन्ते, सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान भाष्यकार भाष्य में कहते हैं, जो भक्त जिस प्रकार से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भक्त जिस प्रकार से
यानी जिस प्रयोजन से, जिस फल प्राप्ति की इच्छा से भगवान कह रहे हैं कि मुझे भजता है, उनको मैं उसी प्रकार भजता हूँ, अर्थात उनकी कामना के अनुसार ही फल देकर मैं उन पर अनुग्रह करता हूँ। तो वहाँ तो अवतरणिका में कहा कि आप सबको मोक्ष क्यों नहीं दे देते, तो कहते हैं कि उन्हें मोक्ष की इच्छा नहीं है। जो फल की इच्छा वाले हैं उन्हें फल देकर, और जो फल को न चाहते हुए शास्त्रोक्त प्रकार से कर्म करने वाले और मुमुक्षु हैं उनको ज्ञान देता हूँ, और जो ज्ञानी हैं, सन्यासी हैं, मुमुक्षु हैं, उन्हें मोक्ष देकर, अर्थात जिसकी जैसी इच्छा है वैसे ही मैं करता हूँ। जो दुखी है उनका दुख दूर करके, जिस प्रकार से जो मुझे भजता है उनको मैं भी वैसे ही भजता हूँ। राग द्वेष के कारण या मोह के कारण तो मैं, भगवान कहते हैं, किसी को भी नहीं भजता। अगले श्लोक में इसी श्लोक की दूसरी पंक्ति का भाव पहले भगवान भाष्यकार बताते हैं। हे अर्जुन, मनुष्य सब तरह से बरतते हुए भी सर्वत्र स्थित मुझ ईश्वर के ही मार्ग का सब प्रकार से अनुसरण करते हैं। जो जिस फल की इच्छा से जिस कर्म के अधिकारी बने हुए उस कर्म के अनुरूप प्रयत्न करते हैं, वे ही मनुष्य कहे जाते हैं। तो अब प्रश्न यह है कि यदि रागादि दोषों का अभाव होने के कारण सभी प्राणियों पर आप ईश्वर की दया समान है एवं आप सब फल देने में समर्थ भी हैं, तो फिर सभी मनुष्य मुमुक्षु होकर यह सारा विश्व वासुदेव स्वरूप है, इस प्रकार के ज्ञान से केवल आपको ही क्यों नहीं भजते? हे अर्जुन, इसका कारण सुनो। 12वें श्लोक में बताते हैं कि सभी लोग भगवान को मुक्ति के लिए क्यों नहीं भजते। स्वयं भगवान इसका हेतु दे रहे हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तैह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं। ऐसा क्यों? आपका पूजन क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको कर्मजा सिद्धि ही क्षिप्रम भवती, कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है देवताओं का यजन करने से। भगवान कहते हैं कि कर्मों की सिद्धि चाहने वाले, अर्थात फल प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य इस लोक में इंद्र, अग्नि आदि देवों की पूजा किया करते हैं। ऐसे उन भिन्न रूप से देवताओं का पूजन करने वाले फलेच्छुक मनुष्यों की इस मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न हुई सिद्धि शीघ्र ही हो जाती है। कारण, क्योंकि मनुष्य लोक में शास्त्र का अधिकार है, यह विशेषता है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके, इस वाक्य में
क्षिप्र यानी ये जो तुरंत, इस विशेषण से भगवान अन्य लोकों में भी कर्म फल की सिद्धि दिखलाते हैं, पर मनुष्य लोक में यह सिद्धि तुरंत हो जाती है देवताओं के यजन करने से। मनुष्य लोक में वर्ण आश्रम आदि के कर्मों का अधिकार है, यह विशेषता है। उन वर्णाश्रम आदि में अधिकार रखने वालों के कर्मों की कर्म जनित फल सिद्धि शीघ्र होती है। अब कल इस प्रश्न को हम आगे लेंगे। यहाँ भगवान बतावेंगे, मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम आदि के कर्मों का अधिकार है, अन्य लोकों में नहीं। यह नियम किस कारण से है यह बताने के लिए ये अगला श्लोक, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम्, 13वां श्लोक। आज क्योंकि वैसे 9:45 ये पूरा हो जाता है, तो संतोषानंद जी महाराज को बता दिया है, तो कल वे जल्दी 9:45 पूरा कर देंगे, और 9:45 से 9:15 तक हमारे ब्रह्मचारी श्री रामचैतन्य जी महाराज, और 9:45 से 9:10 तक ये गीता का जो क्रमशः चल रहा है, 23 दिन के बाद अब ये 4th अध्याय बहुत ही गजब का है, तो आप क्रमशः सुनेंगे। भगवान बहुत ही सुंदर गीता के उपदेश में एक से एक बढ़ के श्लोक हैं, तो संक्षेप में ही आपको कि महाभारत का प्रसंग है, तो ज़्यादा विस्तार में नहीं। भगवान भाष्यकार और महाराष्ट्र का ये जो आनंद रस रत्नाकर है, इसका आधार लेके आपको सुनावेंगे। नारायण 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 नारायण।